Assalamu alaikum. My name is Param. I'm Harman. Welcome back to our channel, guys. So we are back again with another new video. This is the history of Asaduddin Owaisi Sahab, and वो हैदराबाद के रहने वाले हैं, हैदराबाद इंडिया. एंड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंसान है. उनकी जो तकरीर होती है, उनके जो बयान होते हैं, उनके जो भाषण होते हैं, ही इज़ अ पॉलिटिशियन एक्चुअली. एंड वो उनके भाषण भाई किसी को भाई छोड़ते नहीं. अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं. बेस्ट चीज़ है उनकी ये. एंड ऑब्वियसली मैंने उनके बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं. एंड मैंने बहुत ज़्यादा उनको ऑब्वियसली मैंने उनके छोटे छोटे बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं. शॉर्ट्स में बहुत सारे ऐसे क्लिप्स आ ही जाते हैं जब आप स्क्रोल करते हो ना, कि वो मतलब एकदम बेस्ट जैसे उनके फैंस ने उनके लिए बनाए होते हैं. एंड वो ऑब्वियसली मुस्लिम लीडर हैं एंड वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं बहुत अच्छे से. एंड फुल ऑन हिफाजत भी करते हैं. एंड फुल ऑन जैसे वो डिफेंस भी करते हैं एंड अटैक भी करते हैं. कुछ नहीं छोड़ते हैं एंड किसी को भी छोड़ते नहीं है. ये बात बिल्कुल सही है. एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट हिम. एंड ही इज़ फियरलेस एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच हिज हिस्ट्री, बिकॉज हमें उनके बारे में सिर्फ इतना ही पता है जो मैंने बताया. अभी वो चीज़ कितनी हद तक सही है, गलत है, क्या है, वो हमें ये वीडियो में पता चलेगा. एंड उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी मिलेगी. तो चलिए आज के वीडियो का आगाज. हम अल्लाह से दूर हो गए थे तो अल्लाह ने तुम कुत्तों को हमारे पीछे लगाया ताकि हम अल्लाह के पास पलट कर आ जाए. तो याद रखो नौजवानों, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं. तुम अल्लाह की तरफ पलटो या खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला. अब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आप सुनो, BLACKMONEY ब्लैक मनी का. दोस्तों आज की इस वीडियो में बात होगी देश के उस नेता के बारे में कि जो ना तो इस देश का पीएम है और ना ही किसी स्टेट का सीएम है, लेकिन शोहरत इतनी है कि शायद ही आज पूरे भारत में कोई ऐसा इंसान होगा जो उस नेता को नहीं जानता होगा. दोस्तों शायद ही इंडियन हिस्ट्री में आज से पहले कभी किसी भी गैर पीएम या गैर सीएम को इतनी ज्यादा शोहरत नसीब हुई होगी. हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जो जिस न्यूज चैनल पर अपना कदम रख देता है उस न्यूज चैनल की टीआरपी आसमान को छूने लगती है. इंडिया का हर न्यूज चैनल्स आज के दौर में हर बड़े मुद्दे पर इस इंसान को अपने टीवी चैनल्स पर जबरदस्ती बैठालना चाहता है ताकि इस इंसान के जरिए से उसकी भी रोजी रोटी चल सके. दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की. चाहे बात लोकसभा की हो या फिर किसी भी आम चुनावी रैली की, असदुद्दीन ओवैसी के बोलने का अंदाज नहीं बदलता है. असदुद्दीन ओवैसी की नॉलेज और फैक्ट्स यानी दलीलें ऐसी जबरदस्त और मजबूत होती हैं कि उनके विरोधी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं. जब भी असदुद्दीन ओवैसी किसी मंच पर भाषण देने के लिए जाते हैं तो लाखों लोग उनका भाषण सुनने के लिए आते हैं. और हैरानी की बात यह है कि जितने भी लोग उनका भाषण सुनना पसंद करते हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोग वो होते हैं जो उनके विरोधी होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका भाषण सुनना पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी इस दौर में पूरे इंडिया के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं. पूरे इंडिया में आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा नेता मौजूद होगा कि जो नॉलेज और फैक्ट्स और साथ साथ स्पीच देने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला कर सके. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी कौन है और बचपन से लेकर अब तक का उनका टोटल राजनीतिक सफर कितना मुश्किल और कितना आसान रहा. और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो असदुद्दीन ओवैसी जो कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे, इतने अच्छे क्रिकेटर के इंडिया की इंटरनेशनल टीम में भी खेलने का सपना देखने लगे थे, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, उनकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया कि वो क्रिकेटर तो नहीं बन सके लेकिन इंडिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक नेता बन गए. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं जो यकीनन आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी. तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए
हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पैदाइश हैदराबाद शहर में 13 मई 1969 को हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी के वालिद यानी फादर का नेम सलाहुद्दीन ओवैसी था और इनकी माँ का नाम नजमुन्निसा था। असदुद्दीन ओवैसी के एक छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आप जरूर जानते होंगे, जो हमेशा अपने जोशीले बयानों की वजह से लाइट में रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की मशहूर यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अपना बीए कंप्लीट किया था। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि असदुद्दीन ओवैसी को बचपन से ही क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी और कॉलेज के दिनों में ओवैसी एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। असदुद्दीन ओवैसी अपनी टीम में एक फास्ट बॉलर की हैसियत से खेला करते थे और यकीनन ओवैसी एक अच्छे फास्ट बॉलर थे। क्रिकेट में इनकी काबिलियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से आप लगा सकते हैं कि बहुत कम उम्र में ही असदुद्दीन ओवैसी का सिलेक्शन अंडर 25 क्रिकेट टीम में हो गया था। इसके अलावा इन्होंने विजी ट्रॉफी भी खेली है और बाद में इनका सिलेक्शन साउथ जोन यूनिवर्सिटी की टीम में भी हो गया था। असदुद्दीन ओवैसी के साथ खेलने वाले प्लेयर आज भी ये बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इतने अच्छे और बेस्ट बॉलर थे कि हर इनिंग में 4 से 5 विकेट अकेले लिया करते थे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की बॉलिंग अपने कॉलेज के दिनों में बेंगलोर की तरफ से खेलने वाले वेंकटेश प्रसाद की बॉलिंग की टक्कर की मानी जाती थी। वही वेंकटेश प्रसाद जो आगे जाकर इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के बहुत बड़े बॉलर साबित हुए थे। कहा जाता है एक बार असदुद्दीन ओवैसी और वेंकटेश प्रसाद का आमना सामना भी हुआ था। जिस मैच में वेंकटेश प्रसाद तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने उस मैच में 6 विकेट लेकर सनसनी मचा दी थी। शायद ये वो दौर था कि जब असदुद्दीन ओवैसी के दिमाग में सियासत नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। हालांकि दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के फादर यानी पिताजी और उनके दादा बड़े नेता थे और आज़ादी के बाद से ही हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के ख़ानदान का सियासत में एक अहम रोल था। सियासत में इनके घर की एक अलग पकड़ थी, जहां एक तरफ ओवैसी का पूरा ख़ानदान हैदराबाद की पॉलिटिक्स का सेंटर माना जाता था, वहीं दूसरी तरफ अभी तक असदुद्दीन ओवैसी पॉलिटिक्स से कोसों दूर थे। वो अपना करियर क्रिकेट के फील्ड में ही बनाना चाहते थे, लेकिन अचानक से उनके दिमाग में एक सोच ने जन्म लिया, जिस सोच ने उनका सब कुछ बदल दिया, उनका मकसद बदल दिया, उनकी जिंदगी बदल दी। असदुद्दीन ओवैसी ने अचानक से ये फैसला लिया कि वो अपने क्रिकेट करियर को छोड़कर अब लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, और वो भी इंडिया में नहीं बल्कि लंदन जाकर। बस इसी फैसले के बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए ओवैसी लंदन की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, वैसे तो ओवैसी की फैमिली इतनी अमीर थी कि उन्हें लंदन की पढ़ाई का खर्च उठाने में जर्रा बराबर भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी ओवैसी ने लंदन की अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का फैसला किया था। असदुद्दीन ओवैसी खुद कई इंटरव्यूज में ये बता चुके हैं कि जब उन्होंने लंदन में पढ़ाई की थी तो उसके साथ में उन्होंने जॉब भी की थी, यानी लंदन में अपनी पढ़ाई का खर्च उन्होंने खुद नौकरी करके उठाया था, और ये फैसला उनकी फैमिली का नहीं बल्कि उनका खुद का था। दोस्तों, 1992 या 93 के दौर में असदुद्दीन ओवैसी लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर इंडिया में वापस आए। इंडिया में वापस आते ही उनके वालिद यानी फादर सलाहुद्दीन ओवैसी ने असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति में उतारने का फैसला किया। असदुद्दीन ओवैसी के फादर सलाहुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 1994 में ओवैसी को टिकट दिया। असदुद्दीन ओवैसी 1994 में विधानसभा का इलेक्शन लड़े और उस इलेक्शन में जीत के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा में एंट्री की। दोस्तों, अगर बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक पार्टी यानी AIMIM के बारे में, तो आपको बताते चलें ये कोई नई पार्टी नहीं है बल्कि ये हद से ज्यादा पुरानी पार्टी है। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है वो आज़ादी से भी पहले बनाई गई थी, यानी इसकी बुनियाद 1930 में रखी गई थी, और इस पार्टी का भारत की आज़ादी में भी बड़ा अहम योगदान रहा था। उस दौर में इसकी बुनियाद रखी थी नवाब महमूद नवाज खान ने।
लेकिन दोस्तों हुआ ये कि जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इस पार्टी के फाउंडर यानी नवाज महमूद नवाज खान पाकिस्तान चले गए और उस वक्त इस पार्टी की कमान कासिम रिजवी के पास आ गई थी। ये वही कासिम रिजवी था कि जिसने बंटवारे के वक्त हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका। बदले में इसको इंडियन गवर्नमेंट ने जेल में कैद करवा दिया। तकरीबन 8-9 साल जेल में काटने के बाद जब इसे रिहाई मिली तो ये फौरन पाकिस्तान भाग गया और उसकी ये पार्टी तन्हा रह गई। इंडियन गवर्नमेंट ने उस वक्त फौरन इस पार्टी पर बैन लगा दिया था और किसी भी पार्टी पर बैन लगना उस दौर में कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि MIM के अलावा उस दौर में RSS जैसी पार्टियों पर भी पाबंदी लगाई गई थी और उन्हें भी हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था। 1857 में जब इस पार्टी के ऊपर से बैन हटाया गया तो इसकी कमान अब एक नए इंसान ने संभाली जिसका नाम था अब्दुल वहीद उवैसी। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि असदुद्दीन उवैसी के दादा थे। इन्होंने कई साल इस पार्टी को मजबूत बनाने में बड़ी शिद्दत से मेहनत की और फिर इनके इंतकाल के बाद इनकी इस पार्टी की कमान इनके बेटे यानी सलाहुद्दीन उवैसी ने संभाली, जो असदुद्दीन उवैसी के वालिद यानी फादर थे। असदुद्दीन उवैसी के वालिद यानी सलाहुद्दीन उवैसी एक या दो बार नहीं बल्कि लगातार 6 बार सांसद चुने गए, लेकिन जब 1999 में जीतने के बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि वो अपनी सेहत की वजह से अगले MP के इलेक्शंस में नहीं लड़ पाएंगे तो उन्होंने अपनी MP की सीट अपने बेटे यानी असदुद्दीन उवैसी, जो पहले से कई बार लगातार विधायक बनते आ रहे थे, उनको दे दी और यकीनन ये उनका सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ। 2004 में असदुद्दीन उवैसी पहली बार हैदराबाद से सांसद चुने गए। 2004 में लोकसभा का चुनाव जीतना था, बस उसके बाद तो मानो असदुद्दीन उवैसी की काबिलियत की वजह से उनकी शोहरत में 4 चांद लगते चले गए। असदुद्दीन उवैसी 2004 का इलेक्शन जीतने के बाद जब पहली बार लोकसभा में गए थे तो शायद किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ये कम उम्र का दिखने वाला एक सीधा सा इंसान हमारे ऊपर इतना भारी पड़ने वाला है। 2004 के बाद असदुद्दीन उवैसी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार एक के बाद एक कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 2004 के बाद जितने भी MP के इलेक्शंस हुए, हर इलेक्शन में असदुद्दीन उवैसी ने बड़ी फासले के साथ जीत हासिल की और हैदराबाद से लगातार 4 बार सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा हैदराबाद की जो 7 विधानसभा सीटें हैं यानी जिस पर विधायक चुने जाते हैं, वो भी सारी की सारी उवैसी की ही पार्टी के पास हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि हैदराबाद की राजनीति में उवैसी की इजाजत के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मारता है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि असदुद्दीन उवैसी कुछ आरोपों की वजह से जेल भी काट चुके हैं। हालांकि राजनीति में ये एक आम बात है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता होगा कि जिसने जेल का मुंह नहीं देखा होगा। दोस्तों 1996 में असदुद्दीन उवैसी ने फरहीन उवैसी नाम की एक खातून से शादी की थी। आज असदुद्दीन उवैसी की 6 औलादे हैं, जिनमें से उनकी 5 बेटियां और एक बेटा है। दोस्तों आपको बताते चलें कि असदुद्दीन उवैसी के सपोर्टर्स उन्हें नकीब मिल्लत यानी दीन के रहनुमा के नाम से पुकारते हैं और शायद असदुद्दीन उवैसी में नकीब मिल्लत कहलाने के लायक बहुत सारी खूबियां मौजूद भी हैं, क्योंकि असदुद्दीन उवैसी की खास बात यह है कि वो हमेशा जमीनी तौर पर लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। वो जब भी हैदराबाद शहर में मौजूद होते हैं तो अपने ऑफिस में दिन में तकरीबन 4 से 5 घंटे का वक्त बिताते हैं और उन 4-5 घंटों में एक एक करके लोगों से मुलाकात करते हैं और उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में हैदराबाद में असदुद्दीन उवैसी के बहुत सारे हॉस्पिटल और बहुत सारे स्कूल्स हैं, जिनमें से ज्यादातर हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में फ्री में ही इलाज किया जाता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है और इन तमाम चीजों को असदुद्दीन उवैसी के छोटे भाई यानी अकबरुद्दीन उवैसी संभालते हैं। दोस्तों असदुद्दीन उवैसी को संसद या फिर किसी भी चुनावी रैली में मुस्लिम, दलित और इन जैसे जितने भी नीचे तबके के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, इन सब के मुद्दों को उठाते हुए देखा जाता है। वो हमेशा नीचे तबके के लोगों की ही आवाज बनते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों में देश की संसद में वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले सांसद हैं। संसद में सबसे ज्यादा इन्हीं के बयानों की चर्चा होती है,
चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर कश्मीर का मुद्दा हो या फिर CAA और NRC जैसे बड़े मुद्दे हों। इन तमाम ही बड़े मुद्दों पर असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में अपनी ऐसी दलीलें पेश की थीं कि जिसका जवाब देना किसी भी सांसद के लिए नामुमकिन बन गया था। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा सत्ता में मौजूद BJP पार्टी की तो मुखालिफत करते हुए नजर आते ही हैं, साथ ही साथ वो कांग्रेस को भी कभी नहीं बख्शते हैं। वो कांग्रेस पर हमेशा ये आरोप लगाते आए हैं कि कांग्रेस ने इतने साल हुकूमत करने के बाद मुसलमानों को कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल किया है, और यही वजह है कि कांग्रेस जैसी और जितनी भी सेकुलर पार्टी हैं वो सभी असदुद्दीन ओवैसी पर BJP की बी पार्टी होने का आरोप लगाती आई हैं। उनका मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी अंदरूनी तौर पर BJP से मिले हुए हैं और ये हमेशा हर इलेक्शन में BJP की मुखालिफ पार्टियों के वोट काटते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात ये है कि ओवैसी पर ये आरोप सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं लगाती हैं, बल्कि साथ साथ मुस्लिम और दलित कम्युनिटी के भी कुछ लोग लगाते हैं। हालांकि मुस्लिम और दलित ये दोनों कम्युनिटी ऐसी हैं कि जिनके बारे में असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करते हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आज जरूर बता कर जाएं कि आपकी इंटरेस्टिंग वीडियो था ये, एंड 14 मिनट का वीडियो था, मेरे को तो पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। एंड इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, एंड बहुत ही बेहतरीन इंसान ऑफ कोर्स, बिकॉज ही ऑलवेज रेज हिज वॉइस फॉर मुस्लिम्स एंड दलित लोगों के लिए, नीचे तबके के लोगों के लिए जिनको कोई कुछ समझता नहीं है ऑब्वियसली। तो दलित लोगों का तो बहुत बुरा हाल है, एंड पता नहीं उनके साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हैं। तो वो भी इंसान, मेरे को तो ये समझ नहीं आती क्या दलित क्या इंसान, तो इंसान है भाई, उसको इंसान कैसे ट्रीट करना चाहिए। एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था ये, एंड उनके बारे में बहुत कुछ पता चला। जैसे कि वो क्रिकेटर हैं, ये हमें पता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इज अ गुड क्रिकेटर, एंड उनका सिलेक्शन होने वाला था, बट वो फिर लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए लंडन, एंड वहाँ पर उन्होंने जाने के बाद फिर उन्होंने पॉलिटिक्स में आना स्टार्ट किया। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, बहुत नॉलेजेबल था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।